मेरे सामने दीप्ति माथुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसका इस केस से बहुत ही गहरा संबंध है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दीप्ति की मृत्यु दिल्ली में हुई है। अब दीप्ति की मृत्यु का इस केस से क्या ताल्लुक है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो कीर्ति, दिशांत और दीप्ति तीनों की बॉडी में डेक्साप्रोजेन ड्रग का ट्रेस पाया गया है। क्या क्या प्रमाणित होता है? प्रमाणित ये होता है कि उसी की वजह से दीप्ति की भी मौत हुई है, और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है योर ऑनर। दीप्ति, कीर्ति और दिशांत तीनों ने आई एम श्योर वो डेक्साप्रोजेन लेस स्टडी पिल्स लिए होंगे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, और ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि बिरेन की वजह से हुई है। बिरेन की वजह से ही तीनों की हत्या हुई है। मिस पुरी, अब तक आप ये भी प्रमाणित नहीं कर पाई हैं कि मेरे मुवक्किल बिरेन ने कीर्ति को वो दवाइयाँ दी थी, गोलियाँ दी थी। अब योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय ये कह रही है कि बिरेन ने मुंबई से दिल्ली पार्सल की थी वो दवाइयाँ। मिस्टर पाठक, मुझे सिर्फ आरोप लगाना नहीं बल्कि उसे साबित करना भी आता है। करिए ना फिर। बिरेन, आप हमें बताएंगे कि वो सो कॉल्ड स्टडी पिल्स आपने कीर्ति को लगभग एक हफ्ते पहले दी थी, राइट? हाँ, इट्स मोर देन वन वीक। इसका मतलब है कि कीर्ति ने वो पिल्स दीप्ति को मुंबई से निकलने से पहले ही दी होंगी। ओह रियली? कीर्ति, फिर तो मुझे भी ये पिल्स लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरी मेमोरी तो आरम गैरम जैसी है। अब देखते हैं इससे कुछ फर्क होता है या ऐसे ही बकवास। नहीं, फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। मैम, आप बेकार में इस ड्रग के पीछे पड़ी है। असल में कीर्ति, दिशांत और दीप्ति तीनों ने सुसाइड किया था उस किलर सिटी को देखकर। और मैम, शायद आपको याद हो तो दीप्ति ने मैसेज भी किया था राहिल को उस सीढ़ी के बारे में। देखो और डरो, डरो और मरो, ये भेज कर मेरा पोपट बनाना चाहते हो? फिर उसने छत से कूदकर अपनी जान दी। ये सीढ़ी वीडी कुछ नहीं है, सिर्फ एक हवा है, एक छलावा है तुम्हारा बनाया हुआ, ताकि तुम यहाँ पर सबके सामने सच आने ना दो और सबको बेवकूफ बनाते रहो। बिरेन, सत्य कथन निष्पुर, लेकिन सीढ़ी के द्वारा कोई और है जो हमें इस केस के सत्य से भटकाने का प्रयास कर रहा है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपने सीडी देखी हो। हाँ, देखिए ना, आप देखना चाहेंगे? है मेरे पास, ये वही सीडी है ना मेरा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं सीडी को अदालत में चलाना चाहूंगा। अनुमति। ये तो लगता है किसी हॉरर मूवी की क्लिपिंग है। और अब चीजें मेरे सामने और साफ हो रही है योर ऑनर। आई थिंक आई एम गेटिंग क्लोज टू द मोटिव। क्या समझ में आ गया आपको मिस पुरी? योर ऑनर, डेक्साप्रोजेन ड्रग के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेल स्टडी की। इस ड्रग का असर 48 घंटे तक रहता है, और अगर इस दौरान आप कोई भयानक या फिर डरावनी चीज देख लेते हैं तो आपके अंदर वो डिप्रेसिव और सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है। आप अपने आप को खत्म करना चाहते हो। श्योर, बिरेन ने इसी मोटिव का फायदा उठाते हुए वो सीडी को बनाया होगा ताकि ये सब लोग सुसाइड कर ले। योर ऑनर, योर ऑनर, ये वो सीडी नहीं है जिसे देखकर कीर्ति की मौत हुई थी। कवर वही है सर, पर सीडी वो नहीं है। अगर वही सीडी होती तो हमें से कोई नहीं बचता। पास मत आना मेरे, मैं गोली मार दूंगी।
जीने का कोई हक नहीं है। इंसाफ करो या मरो। आपको पता है आपने कितना संगीन अपराध किया है? मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। Your Honor, I'm sure कि इसके ब्लड स्ट्रीम में भी डेक्सामेथासोन ड्रग मिला हुआ है। सर, मैं अनु को हिरासत में लेने की अनुमति चाहता हूँ। एक मिनट, पहले इन्हें कटघरे में आना होगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अपनी जान लेने का प्रयास क्यों किया? पता नहीं, जब से मैंने वो सीढ़ी देखी मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझसे कह रहा हो कि मार डालो अपने आप को, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। वो वीडियो तो खत्म हो गई लेकिन मेरी बेचैनी नहीं, और मुझे ये लगने लगा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, और इसीलिए मैंने हो ही नहीं सकता। Your Honor, I am sure कि इसने भी वही स्टडी पिल्स खाई थी जो विरेन ने बाकी लोगों को दी थी। ये पूरे ग्रुप को खत्म करना चाहता था। नहीं, नहीं Your Honor, मैंने ऐसे कोई पिल्स नहीं लिए। I am sure कि तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में भी डेक्सामेथासोन ड्रग का ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा, वरना यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है Your Honor, और सिर्फ इसने ही सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचा? मैम, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इस किस का ड्रग से कोई लेना देना नहीं। ओ, तो तुम कहना चाहते हो कि सीडी का है? What nonsense! Your Honor, सर्वप्रथम इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये सीडी वही है जो कीर्ति, दिशांत और दीप्ति ने देखी थी। द्वितीय, इस सीडी का कोई ना कोई तो रहस्य है Your Honor, जो इस केस से जुड़ा हुआ है। तो आप रहस्य का पर्दाफाश कीजिए ना मिस्टर पाठक, मैं कौन सा मना कर रही। लेकिन हाँ, इस सीडी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बिरेन ने ये सीडी इन लोगों को सुसाइड की तरफ जाने के लिए बनाई थी Your Honor, ताकि ये लोग मर जाएं, खुद ब खुद अपने आप को खत्म कर लें। That's it. Your Honor, जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा विश्वास है, इस सीडी का इस केस के साथ सीधा साधा संबंध है। अब वो संबंध क्या है इसे खोजने के लिए मैं अदालत से कुछ समय के लिए निवेदन करता हूँ। सुलझे हुए केस को आप और उलझा रहे हैं मिस्टर पाठक, मुझे तो समझ में नहीं आता इस बार आप कौन सा खेल खेल रहे। बट यस, आई एम वेरी श्योर योर ऑनर कि इसकी बॉडी में भी आपको डेक्सामेथासोन का वो ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा। आई डोंट नो, ये झूठ क्यों बोल रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई ड्रग नहीं लिया है। झूठ बोल रही हो तुम। मिस पुरी, अगर न्यायाधीश महोदय इस बात पर टिप्पणी करेंगे तो बेहतर रहेगा। Your Honor, ये अदालत अनु त्रिवेदी का इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का ऑर्डर देती है, और अगर इनके ब्लड में डेक्सामेथासोन नाम का ड्रग नहीं पाया जाता है तो इन पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। तो आप क्यों ये सीडी बार बार देखे जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर, आप प्लीज इसे बंद कीजिए ना, वरना जो अनु के साथ हुआ वो। यही तो प्रश्न है सुनैना, कि केवल अनु के साथ ही क्यों हुआ जबकि भरी अदालत में हर व्यक्ति ने उस सीडी को देखा। दवे बोल। केड़ी, तुम्हारे सर के ऊपर चारों तरफ से तलवार लटक रही है, लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, क्या खबर है बता। अनु त्रिवेदी के मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके शरीर के अंदर किसी तरह का ड्रग नहीं पाया गया। अच्छा, ये तो वाकई अच्छी खबर है। थैंक्स दवे। अनु ने जो किया अदालत में, इंस्पेक्टर दवे का ये कहना है कि वो डेक्सामेथासोन का असर नहीं था। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। बहुत बोले तो पूरे कोर्ट ने, सबने वो फिल्म देखी, लेकिन तड़पड़ाई कौन? सिर्फ अनु, और कोई भी तड़पड़ाया नहीं। सब जगह अकाल पड़ा था। बहुत सर, हो सकता है कि वो सीडी किसी खास ग्रुप के लोगों को अटैक कर रही हो। नहीं चल, खास ग्रुप को अटैक करने के लिए रहेगा? अबे वो सीडी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है, समझी क्या? ये डी कहीं। बस, अब जो भी है, जब तक हम इस सीडी की वास्तविकता तक नहीं पहुंचते, तब तक इस केस को आगे बढ़ाना संभव नहीं। अब कुछ बातें हैं, यहां देखो।
अगर इस वीडियो को देखें तो जो महिला है पानी के पास में कौन है, और ये पीछे देखो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ज़ूम करता हूँ, ये देखो तमिल भाषा में है ये कैलेंडर। इसका ये अर्थ होता है कि ये दक्षिण भारत में कहीं फिल्माया गया है। सीडी ये क्या है? मुनार मलयालम मतलब केरला। केरला में किसी घर का फोटो है ये। बॉस लेकिन हम बात बोले, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैलेंडर उधर हो तो वो केरल का ही हो, किधर का भी हो सकता है बॉस। लेकिन शबन मुनार तो केरल में है और केरल दक्षिण भारत में, और इस सीढ़ी का जो भी अस्तित्व है वो भी मुनार केरल में है, तो मैं तुम दोनों की टिकट बुक करवा देता हूँ वहाँ जाने की। सर वहाँ पर, सर फ्रैंकली मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आई मीन जिस तरह से एक एक करके सारे डेथ्स हुए हैं। ठीक है, अदला बदली कर लेते हैं, तुम दोनों मिलकर यहाँ काम संभालो, मैं चला जाता हूँ केरल। सर आपको भी तो खतरा हो सकता है सर। अरे अपुन है ना, अपुन जाएगा बॉस के साथ, बॉस का बॉडीगार्ड बनके। इनके कुछ नहीं, तुम्हें कुछ काम था? हाँ मुझे कुछ बायोनोट्स चाहिए थे। तो तुम अंदर आओ ना। उनको सॉलिड डाउट हो रहा है। खोपड़ी चलना रे, गरीच रहे लग रहे लिए अपन को जगह। अरे कहीं इधर कहीं तेरी तो एकदम सेम टू सेम है। ये वो छुआ है जो अपन ने सीडी में भी देखा था, इधर भी है, और वही कंस्ट्रक्शन साइट बोले तो एकदम हूबहू। इधर ही किधर बोल लेटिन थी भूतनी। रे काका, हे काका, हे काका बोलना, हे बोलना रे, अपुन की नौकरी जाएगी बोलना। अरे अपुन दिन रात इडली बड़ा खाएगा, अपुन को बोलना रे। ए, बोला ना, हमको कुछ नहीं मालूम। तुमको सब मालूम, तुम ऐसा कुछ भी मत बोलो जी, तुम हमको बताओ नहीं तो अपन डीजीपी साहब के पास जाएगा। डीजीपी? तुम उसका कुत्ता। गाली नहीं देगा अपन को, हाँ? डॉगी तक भी नहीं पहुंच सकता है। अभी इधर खड़ा हो के हमारे सामने बकने का नहीं, जाओ। बकना कुत्ता, तुम अपन को सब बोला, लेकिन हम तुमको पूछता है, तुमको मालूम है हम कौन है? हम केडी पाठक का आदमी। केडी पाठक? वो फेमस लायर। लायर नहीं अपन का बॉस। लॉयर है, लॉयर। लगता है ये 8 साल पहले का बात है। एक लेडी का डेड बॉडी मिला था वेल के पास, और बड़ा घर से था वो और फेमस।
सी तो एकदम सेम टू सेम। वैसा ही कैलेंडर है मलयालम में। अरे हाँ बॉस एकदम वही। कौन हो तुम? मिस्टर थॉमस? हाँ मिस्टर थॉमस, मेरा नाम केडी पाठक है, मैं एक वकील हूँ। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आपकी पत्नी वंशिखा के बारे में बात करने। What? क्या बात करनी उसके बारे में? वो मर चुकी है। She is no more. इसी बारे में बात करनी थी। You are no business. Get out. Go. चले जाओ यहाँ से। मिस्टर थॉमस, ये वही चे आप लोगों ने जो सीडी में देखा था ना, एकदम सेम टू सेम। ये देखो ये वही छुआ इधर ही चे। यही थी ना, कहाँ चले गए? हाँ बॉस, पूरे चल भाग भागो। बस ये कब्रिस्तान में आए अपन लोग, बस अपन कहते हैं यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो कोई कब्र से निकल के मुर्दा बोलेगा अपन को हाय हेलो, बहुत मारते नहीं बहुत। चल मुझे इंसाफ दिलाए बगैर आप यहाँ नहीं जा सकते। कौन? वंशिका। वंशिका कौन? वही जिसने बोले तो वो कुएं में कूद के 8 साल पहले अपनी जान दे डाली थी। नहीं, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मेरे पति ने मुझे कुएं में धक्का दिया था और मैं तब तक लोगों को यूं ही मारती रहूंगी जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। देखिए अच्छा, आत्मा अपने ही कब्र में चली गई वापस। चल सुमन, इस केस के कब्र को खोद के सत्य बाहर निकालते हैं। बॉस अब उन्हीं बात मांगी। बॉस क्या है सुमन? दयाना अंदर बहुत लपड़ा है, अपन बोलते बहुत। वो थोमस थोमस है ना, वो दाढ़ी वाला, उसी बुड्ढी ने अपनी बीवी को मारा नहीं का। बॉस कौन बोलता है, पुलिस को बुलाते निकलते हैं, नहीं तो अपन दोनों बुला रहे। तेरी फट रही है ना।
समझ रहा है? ये तो वही सीढ़ी है, चला जरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? क्षमा चाहता हूं मिस्टर थॉमस, मैं यहां एक केस के सिलसिले में आया था और आपके घर में यहां सीढ़ी देखकर मुझे लग रहा है कि इस केस के बारे में आपके आपके पास कोई जानकारी है जो मेरी सहायता कर सकती है। मुझे कुछ नहीं मालूम, चले जाओ यहां से। लीव मी अलोन। मिस्टर थॉमस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एकांत इतना पसंद है इसी कारण आपने अपनी पत्नी की हत्या कर दी उसे पानी में ढकेल कर? हाँ, फेंक दिया मैंने उसे, मार डाला उसे मैंने। क्या करोगे? हाँ, बताओ, फांसी देना चाहते हो मुझे? कहाँ लटकाओगे मुझे, बताओ? मैं तो कब से मरने को तैयार हूं, पर सारी मौत ही नहीं आती। गो। ओके अंकल, अपुन लोग जाते हैं। बस चलिए ना, बस बस छोड़िए ना, बस। मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मेरे पति ने मुझे कुएं में धक्का दिया था और मैं तब तक लोगों को यूं ही मारती रहूंगी जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। नीचे उतारो। योर ऑनर, एक और रहस्यमय मृत्यु। चलचित्र और टेलीविजन पर छोटे मोटे पात्र निभाने वाली पायल मिश्रा जी की मृत्यु हो गई। पाठक, हर रोज कितनी सारी मौतें होती हैं, अब उस चीज का इस केस से क्या संबंध है? संबंध इसलिए है योर ऑनर क्योंकि घटनास्थल से पुलिस को ये सीडी प्राप्त हुई है योर ऑनर। ये वही सीडी है जो मैंने यहां अदालत में चलाई थी। पायल मिश्रा पुलिस को अपने घर के छत से लटकी हुई मिली, अर्थात आत्महत्या। मैं उसी दिन केरला से लौटा था, इसलिए मेरी सहायिका सुनैना घटनास्थल पर गई थी और वहां जो दृश्य सुनैना ने देखा यार, उसे देखकर दंग रह गई। जब मैं पायल मिश्रा के घर पहुंची तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। यही है यार उचित। योर ऑनर, ये जो सीडी पुलिस ने बरामद किया है पायल मिश्रा जी के घर से, मैं उसे एक बार अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं। See you in hell.
योर ऑनर, इस सीडी के सत्य के खोज में मैं केरल गया था और अद्भुत बात पाई मैंने योर ऑनर, कि सीडी पर जो दृश्य है वही दृश्य मैंने वहां भी देखे। इस सीडी में जो महिला दिखती हैं योर ऑनर, उन्होंने इसी ग्रीन लेक्स में कूदकर अपनी जान दी थी। आत्महत्या का केस था योर ऑनर। महिला का नाम है वंशिका रायना। कौन वंशिका रायना? अब उसका इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? योर ऑनर, वंशिका रायना केरल की एक प्रसिद्ध सोशलाइट थी। 8 जुलाई 2005 को इसी ग्रीन लेक से उनका मृत शरीर प्राप्त हुआ था। पुलिस का ऐसा मानना था कि आत्महत्या है, इसलिए पुलिस ने ये फाइल बंद कर दी थी। अब 8 वर्ष पश्चात योर ऑनर वही दृश्य इस सीडी के द्वारा डराया जा रहा है, और ऐसा हम लोगों का मानना है कि इसी सीडी के कारण ये हत्याएं हुई हैं, ये मृत्यु हुई है। योर ऑनर, अभी अभी अदालत में देखा गया कि इसी सीडी के चलते अन्नू ने स्वयं अपनी जान लेने का प्रयास किया। एक और विशेष बात योर ऑनर, इस सीडी के अंत में हम सब ने सुना एक महिला चीख चीख कर कह रही है कि इंसाफ करो या मरो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वंशिका की आत्मा हम सबसे ये बात कह रही है। योर ऑनर, इस सीडी में जो महिला है उसका चेहरा कहीं भी ठीक से दिखाई नहीं देता। एक और विशेष बात योर ऑनर, इस सीडी पर जो महिला है उसके हाथों में वही निशान है जो पायल मिश्रा के हाथों में थी, जिसकी कल ही मृत्यु हुई है। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि पायल मिश्रा एक अभिनेत्री थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल मिश्रा ही ये अभिनय कर रही हो, 8 साल पूर्व का दृश्य फिर से हमें दिखा रही हो, या उससे ये अभिनय कोई करवा रहा हो। यार इन बातों पर विचार करने के बाद योर ऑनर, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या पायल मिश्रा स्वयं हथियारिन है या स्वयं शिकार? योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि बिरेन पायल को जानता था और उसके साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी। सिर्फ दुश्मनी नहीं योर ऑनर, उनकी दोस्ती थी, वो भी बिरेन के साथ नहीं, हमारे राहिल खन्ना साहब के साथ। यू मीन मेरी फ्रेंड पायल? क्या बोला आपने, सुनाई नहीं? यू मीन मेरी फ्रेंड पायल? अभी भी जरा न्यायाधीश महोदय सुन नहीं पा रहे, जरा ऊंचा बोलो। यू मीन मेरी फ्रेंड पायल? हाँ, आप ही की फ्रेंड पायल। वो आपके इंटरनेट प्रोफाइल की जांच हमने की तो पायल आपके फ्रेंड लिस्ट पर मिली, तो यस आई मीन योर फ्रेंड पायल। सर, नेट पे तो मेरे 2000 से भी ज्यादा फ्रेंड्स है, अब ऑनलाइन होते हुए रोज के नए दोस्त बनते हैं और दूसरे दिन भूल भी जाते हैं। आई स्वेयर मैं कोई पायल को नहीं जानता और ना ही मैंने कभी उसे मुलाकात की। ये बैंडेड सर, वो शीशे के टूटने की वजह से, पर नाउ इट्स ओके सर। अच्छा अच्छा, कैसे? हद हो गई है मिस्टर पाठक, आप फालतू में ही उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। आई मीन योर ऑनर, ये केस कीर्ति के मर्डर का है जिसमें मेन एक्यूज बिरेन है, बल्कि सारे सबूत भी इनके खिलाफ है। तो फिर ये हर रोज नए नए नाम, ये पायल मिश्रा और ऐसे सारे कितने नाम मिस्टर पाठक इस केस के साथ जोड़े जा रहे हैं जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं। और अगर ऐसा कोई केस है भी तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस से रिलेटेड जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए योर ऑनर। नहीं मतलब निर्णय कैसे सुना दिया जाए, क्यों सुना दिया जाए? बिकॉज इनफ ऑफ दिस जिबर जैबर मिस्टर पाठक। आप ही के दलील के अनुसार मिस पुरी, मेरे मुवक्किल बिरेन ने डेक्साप्रोजिन नामक दवा देकर तीनों को उकसाया है आत्महत्या करने पर। आप ही ने दलील रखी थी, किंतु अनु ने जब यहाँ अदालत में, भरी अदालत में हम सबके सामने स्वयं को मारना चाहा, उसके खून की जांच पर तो कोई डेक्साप्रोजिन मिला नहीं और ना ही पायल के खून में। योर ऑनर, यही सारे प्रश्न है। मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ और निवेदन करता हूं अदालत से कि बस कुछ समय और मुझे दिया जाए। देखिए मिस्टर पाठक, ये अदालत आपको एक दिन का वक्त और देती है, जस्ट वन डे। 24 घंटे का वक्त है हमारे पास, जो भी करना है अगले 24 घंटे में ही करना होगा। बॉस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बट अपन क्या बोलता है, वो सीडी ना असली है ही नहीं, वो सब झोल है, वो किसी ने शूट कर लिया, अपन को यही लगता है। हाँ, किंतु किसने, कौन कर रहा है ऐसा? बस अपन को लगता है, पता है कौन? वो विजय थॉमस।
शाना आदमी, एकदम शाना आदमी है, वो ही रहेगा किलर बॉस। ये देख सुमंडा, देखो जज बुक बाय इट्स कवर, किसी के मुख को देखकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर वो सीडी उसके पास कैसे? सर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस सीडी द्वारा ही अब तक सारे मर्डर्स हुए हैं। बॉस सीडी ने नहीं, वो जो भी है ना बॉस, वो ड्रग नहीं मारे रहा है। हाँ उसने मारे रहा है, देखना ये पायल मिश्रा का रिपोर्ट आएगा ना, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तब उसे सब निकलेगा, सब पता चलेगा बॉस। हाँ दवे बोल क्या? थैंक्स। सर क्या हुआ, क्या कहा इंस्पेक्टर दवे ने? पायल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार उसने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसका गला घोटकर उसकी हत्या की है, जिसके पश्चात उसके मृत शरीर को छत से लटकाया गया। बोले तो बस सस्पेंस किस पे? यही तो पता लगाना है। मिस्टर पाठक, आपको दी हुई एक दिन की अवधि खत्म होती है, अब कोई नई दलील है आपके पास? योर ऑनर, दो दिन पूर्व पायल मिश्रा जी जो एक अभिनेत्री थी उनकी मृत्यु हुई, अभी अभी उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है योर ऑनर। मिस्टर पाठक आप अदालत को कोई नई जानकारी नहीं दे रहे? सबको पता है कि पायल मिश्रा की मौत स्ट्रैंगुलेट करने की वजह से हुई थी, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। और मैं आपको एक और बात याद दिला कि उस चीज का इस केस से कोई लिंक नहीं। इस पूरी संभवत आप ये भूल रही हैं कि वो सीडी जो योर ऑनर इस केस के प्रथम स्तर से कीर्ति की मृत्यु से इस केस में एक पहेली बना हुआ है, वैसी ही सीडी पायल मिश्रा के घर से इनकी मृत्यु के बाद बरामद की है पुलिस ने। योर ऑनर, मेरा सामान्य ज्ञान मुझसे कह रहा था कि अगर इस केस का रहस्य भेदना है तो सर्वप्रथम उस सीडी का रहस्य भेदना होगा, जिस कारण से मैं केरल गया और वहां मेरे साथ विचित्र घटना घटी। कौन? वंशिका। वंशिका कौन? वही जिसने बोले तो वो कुएं में कूद के 8 साल पहले अपनी जान दे डाली थी। नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मेरे पति ने मुझे कुएं में धक्का दिया था, और मैं तब तक लोगों को यूं ही मारती रहूंगी जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। तत्पश्चात योर ऑनर मैं समझ गया कि कोई प्रेत आत्मा नहीं है, ये कोई मनुष्य का काम है, कोई व्यक्ति रिकॉर्डर पर अपना स्वर अंकित करके लोबान के धुएं का सहायता लेकर हम सबको छल रहा है। जो घटनाएं घटी हैं अब मुझे पूरा विश्वास दिला रही हैं कि वो जो भी व्यक्ति है जिसने उस सीडी का निर्माण किया, वो व्यक्ति जिसने हम सबको भूत प्रेत बनकर छला है, वही व्यक्ति है उन्होंने अभिनेत्री पायल का हत्यारा भी है। आप यदि इतने दावे के साथ कह रहे हैं मिस्टर पाठक, तो आपके पास कोई सुराग भी होना चाहिए। जी योर ऑनर है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि वो व्यक्ति इस समय इस अदालत में विराजमान है। कैसे हो भाई? मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया है, मैं तो केवल आपकी उंगली का हाल पूछने आया था। कैसी है वो? आप कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात? अब नहीं तो? नहीं, विचलित सी लग रही थी आप। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अति उत्तम। अब यही बात आप आकर कटघरे में कहते हैं तो भाई, वो जो अदालत में तुमने किया था इंस्पेक्टर दवे की बंदूक लेकर स्वयं की हत्या करने का प्रयास किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया, वो एक्चुअली मैंने वो किलर सीडी देखी थी ना, तो नहीं, किंतु वो सीडी तो यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने देखी थी, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारे लहू के जांच से अब ये प्रमाणित हो गया है कि तुम्हारे लहू में डेक्साप्रोजिन नाम का वो जो ड्रग था वो था ही नहीं, जबकि जितनी मृत्यु हुई है इस मुकदमे में सबके लहू में वो ड्रग पाया गया। वर्ण होगा तुम्हें कि प्रोसिक्यूटर महोदया ने प्रश्न भी उठाया था, टोका था कि
क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये जताने का प्रयास कर रही हो कि वो सीढ़ी असली है, इसी के चलते तुमने ये पूरा नाटक किया हो? मिस्टर पाठक, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई एक्ट्रेस नहीं। मैं वही कह रहा था, आ रहा था उसमें कि तुम वो छात्र, लेकिन अपने कॉलेज से पिछले दो तीन 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 दिन से लापता हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि पिछले तीन दिन से कहाँ थी तुम? मैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए शहर से बाहर मडाइलेन के पास एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप राहिल से पूछ लीजिए, मैं एक्चुअली उसके पास कुछ नोट्स लेने के लिए गई थी। राहिल, ये एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मडाइलेन के पास किसी गेस्ट हाउस में शांति से एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। शिक्षा तुमने कहाँ से, कौन से विद्यालय से प्राप्त की? सेंट अलोशियस कॉन्वेंट स्कूल। ये जो मुनार में, मुनार जो केरल में है, राइट? एक्चुअली वो हमारा बोर्डिंग स्कूल था। राइट। तो क्या मैं जान सकता हूँ क्यों बोर्डिंग स्कूल, क्यों, क्या विशेष कारण कुछ? जी एक्चुअली वो मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। माता पिता या केवल माता? दोनों, मम्मी पापा दोनों नहीं। मिस्टर थॉमस, अनु जी, क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं, पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती है कौन है। जरा ध्यान दीजिए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इसे। ये क्या मिस्टर पाठक, आप जानती हैं या नहीं, जानती हैं या नहीं लगा रखा है? वो कह रही है वो नहीं जानती। मिस्टर थॉमस, थॉमस अनु के पिता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा मर चुके हैं। Your Honor, मेरे पास ये स्थिर चित्र है। Your Honor, इस स्थिर चित्र में जो व्यक्ति हैं, वो मिस्टर थॉमस है, इनके साथ जो महिला है, 8 वर्ष पूर्व जिन्होंने आत्महत्या की थी Your Honor, इनकी पत्नी वंशिका है, और जो छोटी सी बच्ची दिख रही है Your Honor, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने, क्या वो तुम नहीं हो? नहीं, वो मेरी तस्वीर नहीं है। उस चित्र में आप ही है, क्योंकि आप ही सेंट लॉयस स्कूल गए थी, और उस चित्र में जो बच्ची है उसने सेंट लॉयस स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है। मिस्टर थॉमस, आप विराज। योर ऑनर, इसी चित्र से मुझे इस केस का तोड़ मिला। छानबीन करने पर पता चला कि इस केस से जुड़े जितने व्यक्ति हैं, उनमें से केवल अनु ने सेंट अलोयस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, और वहीं से अनु पर मेरा संदेह प्रारंभ हुआ। वंशिका रैना 8 वर्ष पूर्व जिनका मृत शरीर ग्रीन लेक से पाया गया, सर्वप्रथम उन्होंने विवाह किया था मिस्टर सत्यन त्रिवेदी से। विवाह से उनकी एक पुत्री हुई है योर ऑनर, अनु। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में त्रिवेदी साहब की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात वंशिका जी ने मिस्टर थॉमस के साथ विवाह किया। उस समय अनु बची थी योर ऑनर, इनकी मिस्टर थॉमस के साथ कभी नहीं बनी। मिस्टर थॉमस को कभी इन्होंने अपना पिता नहीं माना, और फिर अचानक 8 वर्ष पूर्व जब पुलिस ने वंशिका जी का देह ग्रीन लेक से बरामद किया, तब अनु ने इसका उत्तरदायी मिस्टर थॉमस को ठहराया। पुलिस की जांच के अनुसार योर ऑनर, वंशिका जी नकारात्मक विचारों से पीड़ित थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की थी। इसी कारण मिस्टर थॉमस को क्लीन चिट दे दिया गया। अदालत को बताओ अनु, क्या तुम्हें आज भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता मिस्टर थॉमस दोषी हैं?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो निर्दोष? नहीं, नहीं मानती मैं इस बात को। इसी ने मारा है मेरी माँ को। योर ऑनर, इसी को पकड़वाने के लिए मैंने ये सारा खेल खेला। 8 साल बीत गए इस बात को, लेकिन अपनी मॉम की मौत को और इस दर्द को अभी तक भुला नहीं सकी। वो किलर डीवीडी वाली बात मैंने पहले से सुन रखी थी, और तभी वीरन के साथ ग्रेवयार्ड में वो प्रैंक हुआ और वीरन ने सबको धमकी दी कि वो सबसे रिवेंज लेगा। किसी को नहीं छोड़ूगा, ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने एक प्लान बनाया। पायल मिश्रा जो कि एक एक्ट्रेस थी, वो राहिल की फ्रेंड लिस्ट में थी और वो मेरी भी फ्रेंड लिस्ट में थी। मैंने उसे कांटेक्ट किया और उसके साथ मिलकर वो डरावना वीडियो शूट किया। और फिर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करके मैंने वो वीडियो रेडी किया, लेकिन मैं जानती थी कि इससे सिर्फ डराया जा सकता है, मारा नहीं। और तभी मुझे पता चला कि वीरेन ने सबको स्टडी पिल्स दिए, और एक दिन मौके का फायदा उठाकर चुपके से मैंने वो बोतल चेंज कर दी। और फिर वही हुआ, पहले कीर्ति की मौत और फिर दिशान और दीप्ति सबकी मौत उस मेरे मिलाए हुए ट्रक की वजह से हुई। इसी बीच उस पायल को इस सीढ़ी के बारे में पता चल गया और उसने मुझे फोन किया। हेलो, मुझे सब पता चल गया है। बस अनु त्रिवेदी, कल शाम तक मेरे घर पर 10 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी सीढ़ी की सारी असलियत पुलिस को बता दूंगी। अरे लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाती, और इसीलिए मजबूरन मुझे उसका भी गला घोटना पड़ा। ताकि सबको लगे कि मेरी माँ की आत्मा ही ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है इस आदमी से। वो इस आदमी को फांसी पे चढ़ते हुए देखना चाहती है, ताकि पुलिस इन सब कत्लों को बंद करने के लिए इसको जेल में बंद कर दे, फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन मेरा मकसद अपने फ्रेंड्स की जान लेना नहीं था, बस मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती थी। तो डिफेंस, रेस्टोरेंट, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अनु त्रिवेदी को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है, लेकिन इससे पहले ये अदालत अनु त्रिवेदी का मानसिक चेकअप करवाने का ऑर्डर देती है। और दूसरी ओर बीरेन बरुआ को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।